सभी सम्मानीय माता बहनों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले हमारे भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य सहयोगी हैं, सभी शिक्षक, सभी पदाधिकारी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से भाई श्री आकाश अग्रवाल जी का आभारी है, उनका इस कार्य में सहयोग मिला। हमारे भाई श्री शैलेंद्र जी जायसवाल का आभारी है, जो भारत स्वाभिमान सबकी बात में हमारे प्रभारी हैं। भाई श्री राजकुमार अग्रवाल जी हमारे व्यापार उद्योग और प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बहन सुश्री जया मिश्रा जो हमारी महिला राज्य प्रभारी हैं, उनका आभार है। भाई श्री रविंद्र जी जो सह राज्य प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आचार्य श्री दया सागर जी जो छत्तीसगढ़ प्रांत के हमारे प्रभारी हैं, उनका भी बहुत आभारी हूँ। उन सबके सहयोग से मैं आपके बीच आया और इस व्याख्यान के लिए मैं प्रस्तुत हो सका। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक आंदोलन शुरू किया है और यह आंदोलन भारत के 600 जिलों में अभी चल रहा है। इस आंदोलन में 2,50,000 योग शिक्षक सारे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगले 2 वर्षों में 11,00,000 योग शिक्षक और इसमें जुड़ने वाले हैं और 2 वर्षों के बाद हमारे 13,50,000 योग शिक्षक कुल हो जाएंगे और तब हम इस भारत स्वाभिमान के आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। हमारी ऐसी भावना है कि भारत के हर एक गांव में भारत स्वाभिमान की शाखा बने, भारत के हर एक गांव में भारत स्वाभिमान की योग कक्षा लगे, लोगों को स्वस्थ बनाए, निरोग बनाए। भारत के नागरिकों की जो बीमारियां हैं उनका समाधान करें, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है भारत देश की जो व्यवस्थागत समस्याएं हैं इनका समाधान करना। भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी, भारत देश की महंगाई, भारत देश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, ऐसी कई गंभीर समस्याएं हैं, हम उनका समाधान करना चाहते हैं। एक तरफ भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना, दूसरी तरफ भारत की समस्याओं को मिटाना, इन्हीं दो उद्देश्यों के लिए यह भारत स्वाभिमान का आंदोलन सारे देश में शुरू होगा। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये भारत स्वाभिमान के आंदोलन में सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना ये कैसे होगा? इसके लिए हम योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाएंगे। योग, प्राणायाम और आयुर्वेद सभी को बताएंगे, सिखाएंगे और उसकी मदद से सब लोग स्वस्थ बनेंगे। योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाया जा सकता है और इसी और उनके माध्यम से करोड़ों भारतवासियों को स्वस्थ बनाया है, निरोग बनाया है। आगे भी यह काम करने वाला है।
और योग प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना इसलिए जरूरी है कि आज हमारे देश में लोग बहुत अधिक बीमार हैं और बीमारियों के कारण हमारा देश बहुत ज्यादा समस्याओं से घिर गया है। अपना भारत देश भाई बहुत अधिक लोग बीमार हैं और बीमारियों में अपना देश इस समय फंसा हुआ है। मुझे अगर ये कहना है कि भारत एक बीमार देश है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अपने भारत देश में 120 करोड़ की जनसंख्या है और करीब 100 करोड़ लोग बीमार हैं। हमारी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 100 करोड़ लोग बीमार हैं। 120 करोड़ की आबादी और 100 करोड़ लोग बीमार, मतलब ये है कि लगभग 80% भारत बीमार है और बीमारियां भी ऐसी गंभीर हैं जिनका जल्दी इलाज ना हो पाए। भारत में करीब 5,70,00,000 लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, 4,80,00,000 लोगों को हृदय रोग की बीमारी है, 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के भिन्न भिन्न रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, करीब 17 करोड़ भारतवासियों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द है, 20 करोड़ भारतवासी हैं जिनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, और करीब 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर समय किसी न किसी गंभीर बीमारी में फंसे रहते हैं, जैसे चिकनगुनिया, वायरल फीवर, डेंगू, इंसेफलाइटिस, ब्रेन मलेरिया, मलेरिया, ऐसे भिन्न भिन्न रोगों में हर समय 27 करोड़ लोग हमारे देश में फंसे ही रहते हैं। और सबसे खराब बात है भारत के बारे में वो ये कि अपने देश की 40 करोड़ माताएं एनीमिया नाम के रोग से बीमार हैं, मतलब 40 करोड़ माताओं को शरीर में खून की बहुत कमी है। हमारे देश में कुल माताएं और बहनें 60 करोड़ हैं और उसमें से 40 करोड़ माताओं को खून की कमी है। ये सबसे खराब भारत की स्थिति। जिन माताओं को खून की कमी है उनके जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से हर साल 56,00,000 बच्चे भूख से मर जाते हैं। वो इतने कमजोर होते हैं और उन माताओं के शरीर में खून की कमी के कारण दूध की कमी होती है, इसलिए हर साल जन्म लेने के थोड़ी देर में ही 56,00,000 बच्चे मर जाते हैं। हमारी भारत सरकार का कहना है कि हर साल 80 से 90 लाख बच्चे ऐसे हैं देश में जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। अब मानसिक और शारीरिक रूप से जो विकलांग हो जाते हैं ऐसे बच्चे 80 से 90 लाख हैं और जो बच्चे भूख से मर जाते हैं, दूध नहीं मिल पाता उनको, ऐसे 56,00,000। कुल मिलाकर इस देश में 2,38,00,000 बच्चों का जन्म होता है और लगभग 1.5 करोड़ बच्चे हमारे देश में हर साल बहुत बुरी स्थिति के शिकार होते हैं, या तो मरते हैं या शरीर और मन से विकलांग होते हैं। आज़ादी के 64 वर्षों बाद ये बुरा हाल देश का है। हमारी सरकार का कहना है कि भारत के बीमार लोगों के इलाज के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास खर्च करने को। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये बीमारी है इस समय और सरकार के पास सबसे कम पैसा है खर्च करने के लिए इस समस्या पर। हमारे देश की सरकार हर साल बजट बनाती है तो सबसे कम बजट बीमारियों के इलाज के लिए ही बनता है।
भारत देश में एक साल में करीब 11,50,000 करोड़ का बजट बनता है और इसमें से बीमार लोगों की चिकित्सा के लिए मात्र 23,700 करोड़ रुपए खर्च होता है। और 23,700 करोड़ रुपए खर्च होता है वो 100 करोड़ लोगों की बीमारियों के इलाज पर। और ये जो खर्च होता है इसमें से दो तरह का खर्च है, एक हमारे बजट में होता है योजनागत खर्च और एक गैर योजनागत खर्च। योजनागत खर्च का मतलब होता है बीमार लोगों के ऑपरेशन करने पर किया गया खर्च, बीमार लोगों को दवाएं देने पर किया गया खर्च, बीमार लोगों पर सीधे किया गया खर्च, वो होता है योजनागत प्लैंड एक्सपेंडिचर। और गैर योजनागत जो खर्च होता है वो क्या होता है, वो होता है बीमार लोगों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, जो वार्ड बॉय है, हॉस्पिटल की बिजली है, हॉस्पिटल का पानी है, हॉस्पिटल के सभी तरह के खर्चे, वो होता है गैर योजनागत खर्च। तो भारत सरकार का बीमार लोगों के लिए बजट है 23,700 करोड़, इसमें से लगभग 20,000 करोड़ खर्च होता है डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाह देने में, TADA देने में, और लोगों की जो बीमारियां हैं उसके लिए जो खर्च होता है वो है 3,700 करोड़ रुपए बस। अब लोगों के ऊपर 3,700 करोड़ खर्च होता है और हॉस्पिटल चलाने के लिए 20,000 करोड़ खर्च हो जाता है, तो आम आदमी के लिए बीमारी के इलाज पर पैसा बहुत कम बच पाता है। अगर 100 करोड़ बीमार हैं और 3,700 करोड़ का खर्च है उनके लिए, तो एक बीमार आदमी पर सरकार का 37 रुपए खर्च होता है। अब एक बीमार आदमी पर एक साल में 37 रुपए खर्च हो रहा है सरकार का, तो इतने कम पैसे में कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए हमारे देश के लोगों की बीमारियां बढ़ती जाती हैं और उनका समाधान नहीं हो पाता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार एक तरह से मजाक कर रही है हमारे साथ। हम टैक्स के रूप में लाखों करोड़ रुपए सरकार को दे रहे हैं और सरकार हमारी बीमारी के इलाज पर मात्र 37 रुपए खर्च कर रही है। अगर एक व्यक्ति के टैक्स का पैसा हम निकालें तो हर साल एक व्यक्ति इस देश में लगभग 8,500 रुपए का टैक्स देता है हर व्यक्ति। गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर तो खैर ठीक ही है जो देते हैं, गरीब से गरीब आदमी हर साल 8,500 रुपए टैक्स देता है और उस गरीब आदमी के लिए भारत सरकार 37 रुपए खर्च करती है। हम 8,500 रुपए सरकार को दे देते हैं टैक्स के रूप में ताकि सरकार हमारी चिकित्सा की व्यवस्था करे, सरकार हमारे बिजली पानी सड़क की व्यवस्था करे, सरकार हमारी सब तरह की सुविधाओं की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार हमारे लिए चिकित्सा की सुविधा में सिर्फ 37 रुपए खर्च करती है। हमारे दिए गए पूरे धन का 2% ही हमें चिकित्सा के लिए मिल पाता है, इसलिए हर आदमी इस देश में इलाज नहीं करा पाता क्योंकि सरकार की तरफ से खर्चा बहुत कम है। बीमार लोग ज़्यादा हैं, पैसे बहुत कम है खर्च करने को। फिर समस्या ये है कि जब बीमार लोगों के ऊपर सरकार की तरफ से खर्चा बहुत कम है तो बीमारी बढ़ने वाली है और उसका समाधान नहीं है, इसलिए इस देश में 100 करोड़ लोग बीमार हैं। आप बोलेंगे जी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज करा लेते लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी का इलाज नहीं हो सकता, वो इतने महंगे हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं का संभव है इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे भारत के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की ताकत मुश्किल से 15-20 करोड़ लोगों की ही है जबकि देश की जनसंख्या 120 करोड़ है।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की दवाएं बहुत महंगी होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर जो जांच करानी पड़ती है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब बहुत महंगा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन कराना बहुत महंगा है, छोटे छोटे ऑपरेशंस में लाखों रुपए खर्च होते हैं। एक ऑपरेशन हम करा लें, एंजियोप्लास्टी, ये हृदय के लिए किया जाता है, हार्ट का ऑपरेशन है, इसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। एक सामान्य सा ऑपरेशन होता है एंजियोप्लास्टी, उसमें 1.5 से 2 लाख का खर्चा है। अगर किसी के पेट में दर्द है और एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कराना है, 15 से 20 हज़ार का खर्चा है। हमारे देश में छोटे मोटे ऑपरेशन का खर्च भी हजारों रुपए, तो गरीब आदमी तो वो संभव नहीं है कि करा पाए, क्योंकि भारत में 84 करोड़ लोग बहुत गरीब हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 84 करोड़ भारतवासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए भी नहीं होते। अब जिन लोगों के पास एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है, वो कोई इलाज नहीं करा सकते। इसका माने ये है कि 84 करोड़ लोग तो बिना दवा के ही और बिना इलाज के ही तड़पते हैं इस देश में, और तड़प तड़प के मरते हैं। हर साल लाखों लोग बिना इलाज और बिना दवा के मरते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में क्या करना चाहिए, तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इस स्थिति का समाधान करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए ये अभियान शुरू किया है कि हर भारतवासी को हम योग सिखा दें, प्राणायाम सिखा दें, क्योंकि योग प्राणायाम करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, और आयुर्वेद की कुछ ऐसी दवाएं बता दें जो सस्ती हैं और अपने घर में ही कोई उनका इस्तेमाल कर सके। तो योग प्राणायाम और आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में इसी उद्देश्य के लिए शुरू किया है। इस अभियान में 2,50,000 योग शिक्षक हैं जो संपूर्ण भारत देश में हर दिन योग कक्षाएं लगाते हैं। आपके शक्ति में भी हमारी योग कक्षा लगती है, ऐसे ही भारत में 1,00,000 स्थानों पर हर दिन योग कक्षा हमारी लगती है, और इसमें करीब 2.5 लाख योग शिक्षक हैं जो हर दिन लोगों को योग प्राणायाम सिखाते हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हर दिन आस्था चैनल पर सवेरे 5 बजे से 7:30 बजे तक योग प्राणायाम का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और इसके माध्यम से भी करोड़ों भारतवासी देखकर सीखते हैं। भारत में ही नहीं, अब भारत के बाहर जो प्राणायाम और योग से ठीक होते हैं, जैसे डायबिटीज नाम की बीमारी है, ये अंग्रेजी एलोपैथी में कभी भी ठीक नहीं होती, जिंदगी भर आप इंसुलिन खाओगे तो भी ठीक नहीं होगी। इस बीमारी को ठीक होने के लिए एकमात्र उपाय है प्राणायाम, योग और आयुर्वेद। ऐसे ही आयुर्वेद में कई बीमारियां जो बहुत आसानी से ठीक होती हैं, एलोपैथी में होती ही नहीं वो ठीक। मैं लिखने के लिए इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि हम सुना हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जब तक मैं बोलूंगा आप जो है याद कर पाएंगे, और थोड़ी देर बाद जब मैं चला जाऊंगा आप भूल जाएंगे उसे। आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में वो टेप रिकॉर्ड करने की सुविधा है तो टेप कर लीजिए। ये बहुत काम की बातें हैं जो मैं अब आपसे करूँगा। मैं आपको बीमारियाँ कैसे, और बहुत दुखी हो जाएंगे आप अगर लगातार इंसुलिन ले रहे हैं ना, तो किसी दिन भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक होता है कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम हार्ट फेल कहते हैं। इसमें आदमी 1 मिनट में मर जाता है, कोई मौका नहीं मिलता इलाज करने का, और इंसुलिन लेने वालों को मैक्सिमम कार्डियक अरेस्ट होते हैं, क्योंकि इंसुलिन बहुत खतरनाक प्रभावी है।
इसी प्राणायाम को कहते हैं भस्त्रिका। 5 मिनट इसको करना है रोज, 5 मिनट से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 मिनट। जो डायबिटीज ये कपालभाति प्राणायाम आधे घंटे करना है लगातार, थक जाए तो थोड़ा बंद कर दीजिए फिर दोबारा शुरू कर दीजिए, आधा घंटे ये कपालभाति कर लीजिए। ये शुगर के डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत अच्छा है। और तीसरा प्राणायाम जो आपको करना है उसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद कर दीजिए, और दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करें और बाईं नाक से पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए। दाहिना अंगूठा दाहिनी नाक पे रख के बंद करना, बाईं नाक से सांस को निकालना, फिर बाईं नाक से सांस को भरना और दाहिनी नाक से निकालना, फिर दाहिनी नाक से सांस को भरना और बाईं नाक से निकालना, फिर बाईं नाक से भरना और दाहिने से निकालना। यही क्रिया अनुलोम विलोम कहलाती है। इसको आधे घंटे करना है, तो 5 मिनट करना है भस्त्रिका, आधा घंटे करना है कपालभाति, आधा घंटे करना है अनुलोम विलोम। 3 प्राणायाम रोज करने हैं लगभग 1 घंटे तक, और ये सुबह करने हैं खाली पेट। तो इससे आपकी जो शुगर है और डायबिटीज है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा, कोई अंग्रेजी दवा नहीं खानी पड़ेगी। बिना इंसुलिन लिए बिना अंग्रेजी दवाएं खाए आप 1.5-2 महीने में डायबिटीज़ की बीमारी से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये बहुत प्रभावी क्रिया है डायबिटीज़ की बीमारी की, और लाखों करोड़ों भारतवासियों को पिछले 10 वर्षों में परम पूजनीय स्वामी जी ने इस प्राणायाम की मदद से बिल्कुल ठीक कर दिया है, डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। ऐसे ऐसे लोगों की शुगर ठीक हुई है जिनकी 600 यूनिट तक शुगर बढ़ जाती थी खून में, और 1.5-2 महीने के प्राणायाम करने से आज उनका शुगर लेवल 150 यूनिट तक आ गया, माने नॉर्मल हो गया लगभग। तो आप ये 3 प्राणायाम करिए। अब इसके साथ एक आयुर्वेद की दवा वो भी खाइए आप। वो एक दवा है जो आप अपने घर में बना सकते हैं। आपके घर में आयुर्वेद की कई अच्छी दवाएं हैं, आप उनके बारे में ध्यान नहीं देते। हमारे घर में आयुर्वेद की सैकड़ों दवाएं आराम से मिल जाती हैं, बस एक बार हम उनको ध्यान दें और उसका उपयोग करें। 4 दवाएं हैं जो डायबिटीज में काम आती हैं। पहली दवा है, उसका नाम है मेथी का दाना। ये मेथी दाना 100 ग्राम ले लीजिए इसको, और धूप में सुखाकर इसको पत्थर पे पीसकर पाउडर बना लीजिए, 100 ग्राम मेथी का दाना। दूसरी एक दवा है तेज पत्ता। तेज पत्ता ये घर में है और गरम मसाले में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये 100 ग्राम ले लीजिए, इसको भी धूप में सुखाकर पत्थर में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए, 100 ग्राम मेथी दाना 100 ग्राम तेज पत्ता। और एक तीसरी दवा है जामुन का बीज। जामुन का जो फल होता है जो अक्सर हम खाते हैं उसका जो बीज निकलता है इसे फेंकना नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। जामुन के बीज को हमेशा धूप में सुखाकर पत्थर में पीसकर पाउडर बनाकर रखिए। ये लेना है 150 ग्राम, 150 ग्राम लेना है जामुन का बीज, 100 ग्राम लेना है मेथी दाना, 100 ग्राम लेना है तेज पत्ता। तीनों को पीस लीजिए, पाउडर बन गया। और एक चौथी दवा है बेलपत्र। बेलपत्र जो शंकर भगवान को हम अर्पित करते हैं,
वो बेल पत्र लेना है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम लेना है बेल पत्र, 150 ग्राम लेना है जामुन का बीज, 100 ग्राम लेना है तेज पत्ता और 100 ग्राम लेना है मेथी का दाना। ये चारों को पीस दीजिए, पीस के बन जाएगा पाउडर और आपस में इसको मिला दीजिए। ये डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवा है जो अपने घर में आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे? ये दवा जो मिलाई के बना दी आपने चारों पाउडर को, इसका 1 चम्मच सुबह लेना है गर्म पानी से और 1 चम्मच शाम को लेना है गर्म पानी से, और ये हमेशा लेना है खाना खाने के 1 घंटे पहले। अगर आप नाश्ता करते हैं तो उससे 1 घंटे पहले सुबह लेना, शाम को खाना खाते हैं उससे 1 घंटे पहले शाम को लेना, और 1-1 चम्मच लेना है बस, और गर्म पानी से लेना। तो ये दवा आप साथ में ले लीजिए और तीनों प्राणायाम कर लीजिए तो आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 1.5-2 महीना ही लगेगा और हमेशा के लिए आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको मेरा निवेदन है कि इस दवा को शुरू करने के साथ इंसुलिन को धीरे धीरे बंद कर दें। पहले इंसुलिन की मात्रा आधी कर दें, फिर आधे से आधी कर दें, फिर उससे भी आधी कर दें और थोड़े दिन में बंद कर दें, और ये दवा लेते हुए प्राणायाम करते रहे तो 1.5-2 महीने में आपकी शुगर बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। एक छोटी सी इसमें मुझे आपसे और बात कहनी है, वो सावधानी की बात कहनी है कि इस दवा को लेते हुए और प्राणायाम करते हुए आप चीनी खाना बंद कर दें। डायबिटीज के मरीज को सबसे बड़ा अगर कोई जहर है तो वो चीनी है, शुगर। ये चीनी आप ना खाएं। जब भी आप इस डायबिटीज का इलाज करेंगे तो चीनी बिल्कुल बंद कर दें। चाय में चीनी ना लें, दूध में चीनी ना लें, दही में चीनी ना लें, सब जगह चीनी बंद करें। आप बोलेंगे जी क्यों? ये चीनी जो है ना, इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आपके शरीर को लाभ करे, फायदा दे। चीनी में किसी भी तरह का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है कोई। चीनी में ना तो कैल्शियम है, ना तो चीनी में आयरन है, ना तो चीनी में मैग्नीशियम है, ना चीनी में मैग्नीज है, ना चीनी में कोई विटामिन है, ना विटामिन ए है इसमें, ना विटामिन बी है, ना विटामिन सी है, ना विटामिन डी है, ना इस चीनी में प्रोटीन है कोई, ना इस चीनी में आपके शरीर के काम आने वाली कोई चीज़ नहीं। तो आप बोलेंगे चीनी में क्या है? बस चीनी में मीठापन है, स्वीटनेस है, बस और कुछ नहीं। और दुर्भाग्य से जो मीठापन है चीनी में, ये आपके काम का नहीं है। दुनिया में 2 तरह के मीठेपन होते हैं या 2 तरह की मिठाई है। एक तो वो जिसको भगवान ने बनाया, जैसे केले में मीठापन है, जैसे आम में मीठापन है, अंगूर में मीठापन है, संतरे में मीठापन है, खजूर में मीठापन है, गन्ने के रस में मीठापन है, ये सब ईश्वर का बनाया हुआ, प्रकृति ने बनाया। ये जो मीठापन होता है जिसको प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, इसको विज्ञान की भाषा में फ्रक्टोज कहते हैं। और ये जो फ्रक्टोज वाला मीठापन है, यही शरीर को हजम हो पाता है, यही शरीर में पचन हो पाता है जो ईश्वर ने बनाया। और ये जो चीनी का मीठापन है, ये आदमी ने बनाया, और ये आदमी का बनाया हुआ जो चीनी का मीठापन है, ये हजम नहीं होता। आप चीनी जितनी भी खाते हैं, ये कभी भी हजम नहीं होती। तो आप बोलेंगे ये क्या करती है? ये चीनी हमारे शरीर में जाकर खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती रहती है।
और खून में जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तो 103 बीमारियां आती हैं। सबसे खतरनाक बीमारी आती है डायबिटीज, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद ही आती है। दूसरी खतरनाक बीमारी आती है हाई ब्लड प्रेशर, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आती है। तीसरी खतरनाक बीमारी है पैरालिसिस, ये बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आती है। चौथी बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आती है। पांचवी बीमारी है घुटनों का दर्द, छठी बीमारी है कमर का दर्द, सातवीं बीमारी कंधे का दर्द, आठवीं बीमारी हड्डियों के जोड़ों का दर्द, ये सब चीनी से पैदा होने वाली खतरनाक बीमारी। और एक आजकल बहुत बड़ी बीमारी आ गई है मोटापा, हम सबका वजन बढ़ रहा है, सबका पेट बाहर निकल रहा है, इसलिए दुष्परिणाम है चीनी का। तो चीनी अच्छी नहीं है, आप इसे बंद कर दें। डायबिटीज के मरीज तो तुरंत बंद करें, जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी बंद कर दें। स्वस्थ अगर हैं और जीवन भर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चीनी ना खाएं, क्योंकि चीनी कफ को बिगाड़ती है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीन तरह के दोष माने गए हैं, वात का दोष, पित्त का दोष, कफ का दोष। चीनी सबसे ज्यादा कफ के दोष को बढ़ाने वाली है, और कफ का दोष बढ़ता है तो पित्त का भी बढ़ जाता है, और पित्त और कफ बढ़ गया तो 103 बीमारियां लाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया चीनी ना खाएं। फिर आप पूछेंगे जी क्या खाएं, गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, खजूर खाओ, गन्ना खाओ, आम खाओ, केला खाओ, संतरा खाओ, मौसम्बी खाओ, कोई भी ऐसी मीठी चीज खाओ जो भगवान ने बनाई। गुड़ जो है ना वो एक तरह से भगवान का ही बनाया हुआ। गुड़ क्या है, गन्ना का रस, उसको हम बस गर्म कर देते, इतनी सी बात है, उसमें कुछ मिलाया नहीं जाता। गन्ने के रस को गर्म करते करते गुड़ बन जाता, बस इतना ही है कि उसकी सफाई करने के लिए थोड़ा दूध मिला देते हैं गन्ने के रस में, या भिंडी, भिंडी का रस मिला देते हैं, और इसी से गुड़ तैयार हो जाता है। तो गुड़ जो है वो बहुत अच्छा है चीनी की तुलना में। चीनी में 23 तरह के रसायन मिलाए जाते हैं और वो सब जहर है, खतरनाक से खतरनाक केमिकल्स चीनी में मिलाए जाते हैं। अब वो सब के सब केमिकल्स के नाम तो आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन एक नाम जरूर याद रख पाएंगे आप, उसका नाम है सल्फर। ये चीनी बनाने में सल्फर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सल्फर का मतलब होता है गंधक, गंधक का मतलब होता है दीपावली पर चलने वाले पटाखों का मसाला। ये जो दिवाली पर हम पटाखे चलाते हैं ये सभी पटाखे गंधक से बनते हैं, और जिस गंधक से पटाखे बनते हैं उसी गंधक से चीनी बनती है। अब क्या होता है, जब आप चीनी खाते हैं तो ये गंधक आपके शरीर में जाता है और ये खून में जमा हो जाता है, और खून में ये चला गया तो फिर ये निकलता नहीं है। दुनिया की कोई दवा इसको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती। गंधक बहुत खतरनाक, कई जहर ऐसे होते हैं जो शरीर में चले जाएं तो बाहर निकल जाए, लेकिन ये गंधक नहीं निकलता, ये घुस गया तो ये जमा ही होता रहता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे खून खराब होता है, और खून की खराबी है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए मेरा आप सभी को निवेदन है, आप चीनी ना खाएं, उसकी जगह गुड़ खाएं, गुड़ की चाय पिएं, गुड़ से दूध पिएं, दही के साथ गुड़ खाएं, मट्ठा पीना है तो गुड़ से पिएं, हलवा बनाना है घर में गुड़ का बनाएं, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाएं, मिठाई बनानी है गुड़ की बनाएं, कुछ भी चीज़ गुड़ की खाएं, चीनी छोड़ें।
और भगवान की बनाई ही हर मीठी चीज खाएं, जैसे केला खाएं, भरपूर खाएं, उसमें कोई तकलीफ नहीं, अनार खाएं, अनानास खाएं, आम खाएं, कोई भी भगवान की बनाई गई मीठी चीज खाएं और गुड़ खाएं, यही आपके लिए अच्छा है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ आपको, आप खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या मिलती है? जो कुछ आप खाते हैं वो हजम होने के बाद खून में बदल जाता है, रक्त बन जाता है, ग्लूकोज बनता है, फिर उससे रक्त बनता है। तो आप खाना खाते हैं उससे आपको ग्लूकोज की पूर्ति होती है और रक्त बनता है। लेकिन जब आप कुछ भी खाना खा लेते हैं और उसके बाद चीनी खाते हैं तो चीनी खाने को हजम नहीं होने देती। चीनी का सबसे बड़ा दुर्गुण है, चीनी खुद हजम नहीं होती है और किसी को भी हजम नहीं होने देती। आप कितना भी अच्छा खाना खाएं और पीछे से एक चम्मच चीनी अगर आपने खा ली तो वो खाना ही हजम नहीं होगा। तो आप कहेंगे वो खाना फिर कहाँ जाएगा? वो खाना सब कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगा। खाना जब हजम होता है ना तो खून में बदलता है, और खाना जब हजम नहीं होता तो कोलेस्ट्रॉल बनता है। इसलिए आप चीनी खाना बंद कर दें। अब इसका उल्टा समझाता हूं, आप जो खाना खाते हैं उसके पीछे थोड़ा सा गुड़ खाएं, थोड़ा सा, तो ये गुड़ पूरे खाने को बहुत जल्दी हजम कर देता है। हमारे शरीर में खाने को हजम होने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खा लिया तो वो खाने को 4 घंटे में ही हजम करता है। गुड़ ने खाने को हजम कर दिया, मतलब खाने का खून बन गया, रक्त बन गया। तो सोचो गुड़ कितना अच्छा है। तो आप हर दिन एक नियम बना लें, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं, सुबह भी खाएं, शाम को भी खाएं, जब भी खाना खाएं पीछे से गुड़ जरूर खाएं, तो खाना जल्दी हजम होगा। और गुड़ जो है ना, इसमें शरीर के काम आने वाले सभी रासायनिक तत्व हैं। जैसे गुड़ में भरपूर मात्रा में वो केमिकल हैं जो शरीर की हड्डियां बनाते हैं, हड्डियों में मजबूती लाते हैं, शरीर में मांस बनता है उससे, और खून की मात्रा बढ़ती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। गुड़ में आयरन भी है, लोहा, और आयरन ज्यादा होने से खून में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होने से खून में ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, और जिनके खून में ऑक्सीजन ज्यादा रहती है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो आप गुड़ खाइए, चीनी घर से हटाइए। और वैसे भी मेरा ये कहना है कि चीनी बहुत महंगी है, क्यों पैसा खर्च करें फालतू में चीनी खाने, गुड़ उससे सस्ता है। और सबसे आखिरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि ये चीनी बनाने वाली बड़ी बड़ी जो मिलें हैं, चीनी मिल, शुगर मिल, ये सारे भारत के बेईमान और कमीने नेताओं की हैं। इस भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा जो बेईमान नेता है वो सब चीनी मिल चला रहे हैं। आप कभी ये देखना चाहें तो महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, सारे बेईमान नेता जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, जो सबसे ज्यादा देश को चूना लगाते हैं, ये सब चीनी मिल चलाते हैं। तो होता क्या है, आप चीनी खरीदते हो तो आपके खून पसीने की कमाई का पैसा भारत के सब बेईमान और कमीने नेताओं की जेबों में जाता है, फिर वो उससे और ज्यादा देश को लूटते। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भ्रष्ट व्यक्ति को पैसा देना अपने देश के लिए बहुत बड़ा अपराध है।
क्योंकि भ्रष्ट आदमी और भ्रष्ट बनेगा, फिर उसके पास पैसे और ज्यादा आएंगे और ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा। भारत में अगर आप आगे से ध्यान दें तो जितने नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 99% नेता चीनी मिल चला रहे, आपका पैसा उनको मिल रहा, तो आप बंद कर दो चीनी, अच्छा है आपका पैसा बेईमानों के पास नहीं जाएगा, और गुड़ खाओगे आप तो आपका पैसा भारत के गरीब किसानों को मिलेगा, क्योंकि गुड़ बनाने का किसान गरीब के, गुड़ बनाने का काम गरीब किसान करते हैं, तो आप गुड़ खाओगे तो पैसा गरीब किसानों के पास जाएगा, चीनी खाओगे तो बेईमान और भ्रष्ट नेताओं के पास जाएगा, आप ही देखो कहाँ पैसा देना है। मेरी तो आपसे यही विनती है, निवेदन है कि अपना पैसा गरीब किसानों को दें। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि भारत के लोग एक साल में जितनी चीनी खाते हैं उतने ही रुपए का गुड़ खाएं, हम जितने रुपए की चीनी खा जाते हैं एक साल में उतने रुपए का अगर गुड़ खा लें तो वो सारे के सारे गुड़ के पैसे 15 करोड़ किसानों को हमेशा के लिए करोड़पति बना सकते। हमारे भारत में 15 करोड़ किसान हैं जो गन्ना पैदा करते हैं और गुड़ बनाते हैं, और इन किसानों का दुख पता है क्या है? इनका दुख ये है कि ये गुड़ बना के बेचना चाहते हैं, लेकिन ये बेईमान नेता उनका गुड़ नहीं बनने देते। ये नेताओं ने ऐसे कानून बनवा दिए हैं कि चीनी मिल को ही चीनी बेचनी पड़ती है, माफ करना, चीनी मिल को ही गन्ना बेचना पड़ता है। मान लो सख्ती में कोई चीनी मिल लग जाए, कोई नेता ही लगाएगा ये तो पक्का, तो वो ऐसे कानून बनवा देगा विधानसभा में कि सख्ती के आसपास जितने किसान गन्ना पैदा करें उनको पूरा गन्ना उसी चीनी मिल को बेचना पड़ेगा, भले वो चीनी मिल 3-3 साल तक उसको पेमेंट ना करे किसान को, फिर भी उसकी मजबूरी है अपना गन्ना बेचना। अब किसानों का 3-3 साल पेमेंट रुका रहता है चीनी मिलों में, वो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, पैसे उनके नहीं मिलते, और 3 साल का पेमेंट अगर 4th साल में मिले तो किसान के लिए बेकार। तो किसान मुझे कहते हैं कि हमें चीनी मिल में गन्ना बेचने में बहुत घाटा है, एक तो दाम कम मिलता है और पेमेंट 3-4 साल में मिलता है, और वही किसान कहते हैं कि अगर हम गन्ने से गुड़ बनाएं तो वो गुड़ हमारा हाथों हाथ बिक जाता है और उसका कैश पेमेंट किसानों के हाथ में आ जाता है, और गुड़ बनाने में थोड़ा पैसा जाता। अमेरिका के लोग हर एक चीज खाते हैं वो शुगर फ्री है, कनाडा के हर एक घर में घुसोगे तो हर चीज शुगर फ्री मिलेगी, ब्रिटेन में बड़ी बड़ी दुकानों में जो मिठाइयाँ मिलती हैं, मिठाइयाँ तो वहाँ केक की होती है या पेस्ट्री होती है, वो सब शुगर फ्री मिलती है, और बहुत महंगी देते हैं फिर भी लोग वही खाते हैं, क्योंकि चीनी के नुकसान उनको भी पता चल गए। अमेरिका में शुगर फ्री हर एक चीज 4 गुनी महंगी मिलती है, फिर भी लोग खाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चीनी खाने से अच्छा ये बिना चीनी की चीजें खाना। अब वो शुगर फ्री भारत में भी आ गई है, टीवी पे आपने देखा है ना विज्ञापन आता है, शुगर फ्री टैबलेट आ गई है, गोलियां आ गई है जिनको चाय में डाल के दूध में डाल के लोग पी रहे हैं, ये शुगर फ्री सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप में चल रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि चीनी खाएंगे मरेंगे। अमेरिका में पता है हर 3रा आदमी मोटापे का शिकार है। अगर अमेरिका में आप हर 3रे आदमी को देखोगे वो मोटा, 30 करोड़ की जनसंख्या, 7th में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे 150-150 किलो के हैं, 140 किलो वजन, 130 किलो वजन, 120 किलो वजन। कभी आप अमेरिका चले जाओ, हम तो जाते रहते हैं तो वहाँ देखते हैं,
सड़क पे एक घंटे खड़े हो जाओ किसी भी बड़े शहर में और जाने आने वाले लोगों को देखोगे, हर तीसरा आदमी आपको मोटा थुल थुल ऐसा पेट निकल, पता है किसका है? चीनी का। अब अमेरिका में अभियान चल रहा है चीनी हटाओ, वहाँ के डॉक्टर्स लोगों को समझा रहे हैं चीनी हटाओ। वहाँ का एक कई टीवी चैनल है चिकित्सा और स्वास्थ्य पर, रोज वहाँ लेक्चर आता है चीनी हटाओ चीनी हटाओ, क्या क्या नुकसान चीनी का, क्या नुकसान चीनी। तो उनको अकल आ गई है, चीनी खा खा के मोटे हो गए, तकलीफ में फंस गए, अब वो चीनी बंद कर रहे हैं। आप भी बंद कर दो, जितनी जल्दी बंद करोगे उतना अच्छा है, देश का भी लाभ होगा आपको भी लाभ। तो चीनी छोड़ के गुड़ खा लो, और डायबिटीज के मरीज भी चीनी तो तुरंत बंद कर देंगे, थोड़ा बहुत गुड़ चाहें तो वो भी खा सकते हैं। डायबिटीज के मरीज को चीनी खाने से जितना नुकसान होता उतना गुड़ खाने से नहीं होता, क्योंकि गुड़ में मैंने कहा ना फ्रक्टोज है। घर में फैसला कर लीजिए, चीनी हटाइए गुड़ ले आइए, और यहाँ गुड़ तो कई तरह का मिलता है, एक तो खजूर वाला गुड़ मिलता है, आपने देखा खजूर से बनता है, दूसरा ताड़ी वाला गुड़ मिल जाता है, ताड़ के पेड़ से जो रस निकलता है उसका गुड़ बनता है, नहीं तो गन्ने के रस वाला गुड़ तो कहीं नहीं मिलता है। अब बस मेरी एक छोटी सी आखिरी बात और है कि जब बहुत मत गुड़ गुड़ लेना जो काला रंग का, जो गुड़ दिखने में काला है और गहरे लाल रंग का है वही गुड़ अच्छा। ये जो सफेद रंग का गुड़ है ना, ये निर्मा वॉशिंग पाउडर से बना है। निर्मा वॉशिंग पाउडर आ गया, ये जो गन्ने का रस है ना गर्म करते हुए उसमें निर्मा वॉशिंग पाउडर मिला देते हैं तो गुड़ का रंग सफेद हो जाता है। और जो बनाने वाला है ना महान लोग, भव नहीं खरीद पाना, बहुत महंगा मिलता है, शहद महंगा तो हो है। तो क्या करें, तो खाली आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ खा लो, शहद मत मिलाओ, तो भी आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, डेढ़ दो महीने में ही ठीक हो जाए। बहुत अच्छी दवा है दालचीनी। दूसरी एक दवा है हाई ब्लड लेना और एक कप पानी में खूब गर्म कर देना, एक कप पानी या आधा गिलास पानी, आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के खूब गर्म कर देना और इसको पी लेना चाय की तरह से, तो ये हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ठीक कर देगा। और ये जो अर्जुन की छाल है ये हाई बीपी को तो ठीक करेगा ही, ये हृदय को भी ठीक कर देता है। हमारे हृदय में कई बार एक खराब बीमारी आती है जिसको हम तो बहुत धीमी हो जाए या बहुत तेज हो जाए तो मरने के चांसेस हैं। इस बीमारी को ठीक करना सबसे अच्छे से जो कर पाती है दवा वो यही है अर्जुन की छाल, इजेक्शन फ्रैक्शन को एकदम संतुलित कर देती है। इस इजेक्शन फ्रैक्शन को संतुलित करने में एलोपैथी दवा लाखों रुपए की आप खाओगे तो भी नहीं होगा, लेकिन ये अर्जुन की छाल बहुत अच्छे से कर देती है। और एक दवा बताता हूँ हाई बीपी के लिए, अपने घर में है वो दवा, का नाम है लौकी का रस। एक कप लौकी का रस रोज पियो, सवेरे खाना खाने से एक घंटे पहले, सवेरे के खाने का मतलब है नाश्ता, नाश्ते से एक घंटे पहले एक कप लौकी रस रोज पियो। और लौकी का रस जब आप निकालो ना तो उसका छिलका मत उतारो, क्योंकि जो छिलका है उसी में सब कुछ है, लौकी में जो भी कुछ है वो सब उसके छिलके में है। अगर आपने छिलका हटा दिया लौकी का तो वो बेकार है, फिर वो किसी काम के नहीं। बहुत लोग हैं ना मुझे फोन करते हैं, कहते हैं 2 साल से लौकी रस पी रहे हैं, बीपी ठीक ही नहीं हो रहा। फिर मैं पूछता हूँ कैसे पीते हो, कहते हैं जी छिलका उतारते हैं। मैंने कहा बस अभी कोई ठीक नहीं होगा, छिलका उतार के लौकी 10 साल भी पियो कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। और वही छिलका रख कर लौकी का रस पियो, 2 महीने में ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। छिलका नहीं उतारना, छिलका सहित उसका रस निकालना।
और एक कप रस पियो रोज, बस ज्यादा नहीं आधा गिलास। उसमें थोड़े धनिया पत्ते डाल लो 5-6, पुदीने पत्ते डाल लो 5-6, तुलसी पत्ते डाल लो 5-6, 3-4 काली मिर्च डाल दो। इसको पीस के सबको और मिला के लौकी रस पी। हाई बीपी ठीक होता है इससे, हृदय की बीमारी भी ठीक होती है इससे। ये जो लौकी रस है ना, ये मोटापे को भी ठीक कर देता है, मोटापा कम हो जाता है, पेट बाहर निकला है तो वो ठीक हो जाएगा। आगे चलें, और एक अच्छी दवा बताता हूँ आपको हाई बीपी के लिए। वो दवा है बेल पत्र के पत्ते। बेल पत्र का पेड़ तो सब जगह मिलता है, छत्तीसगढ़ में हर गांव में मिल जाता है। उसके 5 पत्ते तोड़ लो, बेल पत्र के 5 पत्ते पत्थर में पीस के उसकी बनाओ चटनी। अब उस चटनी को डालो 1 गिलास पानी में और उसको करो गरम, और इतना गरम करो कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पियो। तो ये बेल पत्र के पत्ते का काढ़ा बनाकर कोई भी पिएगा तो हाई ब्लड प्रेशर इससे भी ठीक हो जाता है, और इस बेल पत्र के काढ़े से मोटापा भी ठीक हो जाता है, इस बेल पत्र के काढ़े से डायबिटीज भी ठीक हो जाती है। ये डायबिटीज ठीक कर देता है, हाई बीपी ठीक कर देता है, मोटापा ठीक कर देता है। हमारे खून में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उसको भी ठीक कर देता है ये बेल पत्र। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छी दवा है। अगर आपके दांत अच्छे हैं ना तो बेल पत्र के पत्ते चबा के भी खा सकते हैं। बेल पत्र थोड़ा चबा के खा लिया, पीछे से गर्म पानी पी। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जब आप शंकर जी के मंदिर में बेल पत्र चढ़ाने जाते हैं तो बेल पत्र को वहीं छोड़ देते हैं आप मंदिर में, उसे अपने साथ ले आया करो। क्योंकि जो मंदिर में आपने बेल पत्र छोड़ दिया, पुजारी उसको इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देता है, पुजारी कुछ नहीं करता उसका। और वो बेल पत्र इतना कीमती है, इसलिए इसका दुरुपयोग मत करो, बेल पत्र फालतू बर्बाद मत करो, ये बहुत काम की चीज है। और अगर इस सभा में कोई मंदिर के पुजारी बैठे हों जो पूजा करते हैं शंकर जी की, उनसे मेरा निवेदन है कि जितने भक्त बेलपत्र चढ़ा के जाते हैं आप उसको कचरे में मत फेंको, डिब्बे में मत डालो, उसको सुखा लो धूप में, और सुखाने के बाद उसको पीस लो और उसका बन जाएगा पाउडर, और वो पुड़िया में भर भर के सब भक्तों को दे दो, ताकि भक्त अपने अपने मोटापे ठीक कर लें, उससे अपनी शुगर ठीक कर लें। वो शंकर जी का प्रसाद है, पुजारियों का बड़ा कल्याण होगा, क्योंकि जिसको भी आपने ये पुड़िया बना के दिया उसकी शुगर ठीक हुई, जिंदगी भर दुआएं देगा आपको और चढ़ावा भी चढ़ाएगा फिर आपको। नहीं तो ये फालतू बेलपत्र कचरे में जा रहा है। आगे चलें, और एक दवा बताता हूँ आपको हाई बीपी की, बहुत अच्छी एक दवा है, गाय मूत्र पियो। देशी गाय का ताजा मूत्र पियो 1/2 कप, ये हाई बीपी को बहुत जल्दी ठीक करता है। देशी गाय का मूत्र, अब देशी कह रहा हूं तो देशी ही, विदेशी गाय का मत पीना। हमारे भारत में विदेशी गाय भी है, जर्सी गाय, होलिस्टियन, फ्रीजियन, उसका मूत्र मत पी लेना, वो तकलीफ करता, नुकसान देता। देशी गाय का पीना, 1/2 कप पीना, सवेरे पीना खाली पेट, ये हाई बीपी ठीक करेगा। और देशी गाय का मूत्र लो बीपी भी ठीक करता है, और देशी गाय का मूत्र डायबिटीज भी ठीक करता है। देशी गाय के मूत्र से दमा और अस्थमा भी ठीक होता है। देशी गाय के मूत्र से ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है, टीबी। देशी गाय के मूत्र से माइग्रेन ठीक होता है, सिर दर्द। देशी गाय मूत्र से हेडेक ठीक होता है, सिर दर्द। देशी गाय के मूत्र से हड्डियों के सब दर्द ठीक होते हैं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द। देशी गाय मूत्र से पेट की कब्जियत ठीक होती है, कॉन्स्टिपेशन।
देशी गाय मूत्र से बवासीर ठीक होता है, देशी गाय मूत्र से भगंदर ठीक होता है, देशी गाय मूत्र से फिशुला ठीक होता है, देशी गाय मूत्र से फिशर ठीक होता है। एक अकेला देशी गाय का मूत्र 48 रोग ठीक कर देता है। इसलिए आप इसे भूलना मत कभी भी, इसे जरूर पीना। आपको बस इसमें एक ही सावधानी रखनी है। सावधानी ये रखनी है कि ये देशी गाय का मूत्र जब आप किसी गाय का लेंगे तो वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए, माने गर्भवती गाय का मूत्र पीने लायक नहीं होता, वो मत लेना। इसका मतलब ये है कि जो गाय माँ नहीं बनी उसका मूत्र बहुत अच्छा है, कुमारी गाय का मूत्र लेना, बाछड़ी जिसको कहते हैं उसका मूत्र लेना, आधा कप लेना, सवेरे लेना और खाली पेट पीना। आपकी 48 बीमारियां अकेले ये मूत्र से ही ठीक हो जाएगी। ये जो देशी गाय का मूत्र है ना, ये आंखों की बीमारियों में सबसे अच्छी दवा है। आंखों की जैसे बीमारी है, किसी को मोतियाबिंद हो गया, कैटरेक्ट, काला मोतिया हो गया, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, आंखों से दिखाई नहीं देता, रात को नहीं दिखता, किसी को दिन में नहीं दिखता, इन सब आंखों की बीमारी में देशी गाय का मूत्र एक एक बूंद दोनों आंख में डालना, एक एक बूंद गाय मूत्र दोनों आंखों में डालो, सब बीमारी आंखों की ठीक हो जाएगी। आप चाहो तो आपका चश्मा उतर जाएगा आंखों से अगर आप गोमूत्र डालो। जिनका निकट दृष्टि का चश्मा है वो भी उतरेगा, जिनका दूर दृष्टि का है वो भी उतरेगा। आंखों की हर तरह की बीमारी में ये काम आता है। आंखों की एक सबसे खराब बीमारी है रेटिनल डिटैचमेंट, जिसका दुनिया में आसानी से इलाज नहीं, उस बीमारी को भी यह गोमूत्र बिल्कुल मुफ्त में ठीक कर देता है फोकट में, जबकि अमेरिका में इस बीमारी के इलाज में 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है रेटिनल डिटैचमेंट, और गाय मूत्र से ये बिल्कुल मुफ्त में ठीक हो जाती है बीमारी। करना क्या है, आंख में गोमूत्र डालना है, बस ताजा ताजा डालना है, और ऐसी गाय का मूत्र डालना है जो कुमारी गाय है, बछड़ी है, उसका डालना। और बताता हूं, ये कान के जितने रोग हैं ये भी सब गोमूत्र से ठीक हो जाते हैं। कान के में सुनाई कम देता है, कान में कई बार हम ऐसी आवाज आती रहती है, कई बार कान में से गंदगी निकलती है, मवाद निकलता है, कान में मैल जमा हो जाता है, कई बार कान का पर्दा फट जाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर कहता है जी कान का पर्दा फट गया, और कई बार कान में ऐसा हो जाता है कि बहुत फोड़े फुंसी अंदर हो जाते हैं। ये सब बीमारियों में एक एक बूंद गोमूत्र कान में डाल दो तो कान ठीक कर देता है। कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अगर आपको एक बूंद गोमूत्र डालो तुरंत दर्द बंद हो जाता है, एक ही मिनट में, कभी भी करके देखना। तो ये गोमूत्र कान के भी काम का है, आंख के भी काम का है, गले की बीमारी में भी गोमूत्र काम आता है। जैसे गले में सूजन आ गई, गले में खिचखिच हो रही है, गले में खराश हो गई है, तो गोमूत्र पी लो, ठीक कर देगा। और गले की एक बीमारी है जिसका नाम है टॉन्सिलाइटिस, छोटे बच्चों को बहुत हो जाती है ये बीमारी। इस बीमारी में आप क्या करो, हल्दी सबसे अच्छी दवा है, उसका उपयोग करो। टॉन्सिल की बीमारी जिसको भी हो जाए, बच्चों को ज्यादा होती है लेकिन कई बार बड़ों को भी हो जाती है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लो, और किसी भी बच्चे को जिसको ये बीमारी है या बड़े को, उसका मुंह खोल कर ये हल्दी पाउडर गले में डाल दो, अंदर जीभ पे मत डालना, गले में,
और थोड़ी देर चुप करके बैठ जाओ मुंह बंद करके, तो ये गले के नीचे उतरेगा पूरा हल्दी पाउडर लार के साथ मिलके, और एक खुराक में ही टॉन्सिल की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए, एक खुराक। इतनी प्रभावशाली दवा है हल्दी। मैंने अक्सर देखा है लोग अपने बच्चों के गले का ऑपरेशन करा देते हैं टॉन्सिलाइटिस में, कभी मत कराना, जरूरत नहीं ऑपरेशन की, हल्दी से ही ठीक हो जाता। और टॉन्सिल की पुरानी बीमारी है, जैसे किसी को 4-5 साल 10 साल पुरानी, तो हफ्ते में एक दिन बस ये आधा चम्मच हल्दी ले लें, एक ही दिन हफ्ते में, तो 8-10 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 2 महीने में। आगे चलें, छाती की कुछ बीमारियों की बात करूं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, टीबी है, ये सब छाती से जुड़ी बीमारियां फेफड़ों से। इसकी एक तो अच्छी दवा मैंने बताई है गोमूत्र, आधा कप पियो, और दूसरी अच्छी दवा है दालचीनी। दालचीनी शहद मिलाकर चाट कर खाओ गर्म पानी के साथ, आधा चम्मच दालचीनी आधा चम्मच शहद, 2-3 महीने लगातार कोई भी खाए तो दमा ठीक होगा, और या 2-3 महीने आधा कप गोमूत्र पी ले तो भी दमा ठीक होगा। आगे चले, पेट की कुछ बीमारियां, जैसे पेट में कब्जियत हो गई, पेट साफ नहीं होता, तो क्या करें, रात को सोते समय अजवाइन और गुड़ ये दोनों मिलाकर खा लें गर्म पानी से, आधा चम्मच अजवाइन 1 चम्मच गुड़ दोनों मिलाओ, मुंह में चबा के खाओ, पीछे से थोड़ा गर्म पानी पी लो, और सवेरे जैसे ही आप उठोगे तो उठते ही पेट साफ हो जाएगा, कब्जियत नहीं रहेगी। दूसरी एक अच्छी दवा है कब्जियत के लिए त्रिफला चूर्ण। हर बहेड़ा आंवले से बनता है त्रिफला, आप सभी जानते हैं, कहीं भी मिल जाएगा, हमारे पतंजलि चिकित्सालय में भी मिल जाएगा। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को गर्म पानी से ले लो, इससे पेट एकदम साफ होता है। और एक तीसरी दवा है पेट साफ रखने के लिए, अनार का रस पियो या अनार चबा के खाओ रोज, 2 अनार रोज चबा के कोई भी खाए, पेट कभी भी खराब हो ही नहीं सकता। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, अमरूद खाओ, 2 अमरूद रोज अगर खा लो कभी भी पेट खराब नहीं होगा, हमेशा पेट साफ। और एक अच्छी दवा है अंगूर खाओ या अंगूर का रस पियो, पेट साफ रहेगा हमेशा। और एक दो बीमारी बताता हूं जो पेट से ही जुड़ी है, बवासीर। बवासीर है जिसको शायद अर्श भी कहते हैं, अर्श बवासीर, पाइल्स कहते हैं अंग्रेजी में, और इसी की 2 सहयोगी बीमारियां हैं, एक है भगंदर फिस्चुला और एक है फिशर। तो बवासीर, भगंदर और फिशर, ये तीनों बीमारियों की सबसे अच्छी दवा है मूली का रस पियो। हर दिन खाना खाने के बाद 1 कप मूली का रस, 2-3 महीने कोई भी मूली का रस पी लेगा बवासीर ठीक हो जाएगा। और बवासीर 2 तरह का होता है, एक तो खूनी होता है, एक बादी होता है, दोनों ठीक हो जाते हैं मूली के रस। बवासीर की और एक अच्छी दवा अपने घर में है कर्पूर। ये कर्पूर होता है ना पूजा करते हैं हम, ये छोटा सा टुकड़ा लेना, बिल्कुल थोड़ा सा, और केला है ना केला, केले में उसको लगा के खा जाना, केला खा लेना तो कर्पूर अंदर पहुंच जाएगा, ये तुरंत ठीक करता है बवासीर। और रोज नहीं खाना है इसको, हफ्ते 10 दिन में 1 ही बार बस, थोड़ा सा कर्पूर केले में लगा के खाना। और एक अच्छी दवा बताता हूँ बवासीर की, नारियल है ना नारियल, नारियल के ऊपर के वो जो छिलके उतरते हैं, ये बहुत अच्छी दवा है बवासीर की। क्या करें, नारियल के जो रेशे निकलते हैं ना, इसको जला दो, जलने के बाद उसकी राख बन जाएगी, वो राख जो है ना शहद के साथ मिला के गर्म पानी से ले लो,
एक चम्मच राख ले लो, एक चम्मच शहद खूब अच्छे से मिलाओ और उसको चाटो, पीछे से गर्म पानी पियो, बहुत जल्दी बवासीर ठीक होता है। और एक अच्छी दवा है बवासीर के लिए, काले अंगूर का रस पियो। बाजार में काला अंगूर आता है ना, बस उसके रस पी लो, उसका एक कप रस पी लो रोज, जितने दिन आता है उतने दिन में ही ठीक कर देगा बवासीर। 2-2.5 महीने आता है काला अंगूर बाजार, साल में, हर साल में 2 बार आता है, उतने में बवासीर ठीक हो जाए। और कुछ बताता हूँ, जैसे दस्त हो जाए, डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, पेचिश हो जाए, पतली टट्टी हो रही है, तो क्या करें, इसकी बहुत अच्छी दवा है, जीरा खाओ चबा के, 1/2 चम्मच जीरा मुंह में चबा के खाओ, पीछे से गुनगुना पानी पी लो, इससे दस्त बिल्कुल बंद हो जाते हैं एक ही खुराक में। और एक अच्छी दवा है जो दस्त ठीक करती है, वो है कच्चा दूध। दूध को बिना गर्म किए हुए 1/2 कप नींबू निचोड़ के जल्दी पी जाओ। 1/2 कप दूध में 1/2 नींबू निचोड़ो, नींबू निचोड़ोगे तो दूध फट जाता है, लेकिन जल्दी पी लेना उसको फटने से पहले, वो फटना चाहिए पेट में जाके, तो एक खुराक में ही दस्त ठीक कर देता है। और ऐसे दस्त ठीक कर देता है जिसमें हर 5 मिनट में आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, इतना डायरिया हो, आप एक कच्चा दूध नींबू निचोड़ के पी जाओ, तुरंत काम आता है। अब घुटने के दर्द की कुछ दवाएं बताता हूं। घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, इसकी सबसे अच्छी दवा है मेथी, हल्दी, सौंठ। हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। हल्दी लेना 100 ग्राम, मेथी लेना 100 ग्राम, सौंठ लेना 100 ग्राम, और तीनों मिला के पाउडर बना लेना पत्थर पीस के। बस इसको 1 चम्मच खाना है सुबह गर्म पानी के साथ, तो ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द सब ठीक करेगा। और एक अच्छी दवा बताता हूँ कमर और ये घुटने के दर्द के लिए, हार सिंगार का एक पेड़ मिलता है, हार सिंगार, उसको परिजात कहते हैं, हार सिंगार कहते हैं। ये पेड़ की पहचान बताता हूँ, इस पर सफेद रंग के छोटे फूल आते हैं और वो फूल का डंडी नारंगी रंग का होता है और फूल में खुशबू बहुत होती है, सुगंध बहुत होती है, और फूल हमेशा रात को खिलते हैं पेड़ पर, बाकी सब फूल दिन में खिलते हैं, इसमें रात में, और सवेरे आप देखोगे तो सब फूल पेड़ के नीचे पड़े हुए मिलते हैं। ये है हार सिंगार का पेड़, इसके 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीसो, चटनी बनेगी, फिर उसको 1 गिलास पानी में खूब गर्म करो, और इतना गर्म करो कि पानी 1/2 हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लो। ये 20 साल पुराने गठिया रोग को भी ठीक कर देता है। 20 साल पुराना, 25 साल पुराना घुटने का दर्द है, गठिया का दर्द है, 2 महीने में ही ठीक होता है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये जो हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा आप बनाते हो, गठिया का रोग तो इससे ठीक होगा ही, इससे बुखार भी ठीक होते हैं सब। हर तरह के बुखार में, हर तरह के फीवर में ये बहुत अच्छी दवा है। दुनिया में कई बुखार ऐसे हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते, जैसे आप जानते हैं चिकनगुनिया का बुखार जल्दी ठीक नहीं, ये जल्दी ठीक नहीं होता। टाइफाइड का बुखार, ये जल्दी ठीक नहीं होता। वायरल फीवर जल्दी ठीक नहीं होता। ये सब बुखार को ठीक करने की ताकत इस हार सिंगार के पत्ते में है, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले। पत्ते पीस के पानी में उबाल दो, उबालना इतना है कि पानी 1/2 हो जाए, और 5 पत्ते पीसना, बस इससे ज्यादा है। 3 दिन में हर खराब से खराब बुखार को ये ठीक कर देता है, और दिन में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 ही बार लेना, बहुत लेने की जरूरत नहीं बुखार में।
जोड़ों के दर्द में तो एक ही बार लेना है, बुखार में भी एक या दो बार। और एक दवा बताता हूं जो बुखार ठीक करे, तुलसी पत्ता। 15-20 तुलसी पत्ते पत्थर में पीस लो, 3-4 काली मिर्च पत्थर में पीस लो, इन दोनों को पानी में डाल के गरम कर लो, गरम करके वो पानी को पी लो, इससे भी बुखार ठीक होता है। और एक दवा बताता हूं बुखार। हमारे घरों में अक्सर हमने देखा है, नीम के पेड़ पर एक बेल होती है जिसको गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं, कहीं कहीं उसको गुड़ुंच कहते हैं, कहीं गुड़ुची कहते हैं, वो बहुत अच्छी दवा है बुखार की। क्या करना है, उसको थोड़ा सा काट लेना चाकू से बेल को, उसकी लकड़ी को, और पत्थर में पीस के और एक गिलास पानी में डाल के उबाल देना, और खूब उबालना, पानी आधा हो जाए फिर उसको पिलाना ठंडा कर, बहुत अच्छी दवा है, खराब से खराब बुखार ठीक होता है। एक दो और दवाएं बताता हूं आपको। जैसे किडनी फेल हो जाए किसी की, अक्सर बहुत किडनी आजकल फेल हो रही है लोगों की, तो किडनी फेल होने की एलोपैथी में तो कोई दवा नहीं, लेकिन अपने आयुर्वेद में है। एक तो प्राणायाम करना, ये सब बीमारियों में प्राणायाम जरूर करते रहिएगा, मैंने जो बताया 5 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति, ये 3 तो कर ही लीजिए। वैसे तो 8 प्राणायाम है कुल, सब करें तो अच्छा है, लेकिन 3 तो कर ही लेना। तो जिनकी किडनी फेल हो जाए उनको प्राणायाम कराओ, और साथ में एक दवा दो, नीम के पत्ते का रस और पीपल के पत्ते का रस। ल्यूकोडर्मा, अब ल्यूकोडर्मा के साथ और भी बता देता हूं। ल्यूकोडर्मा तो चर्म रोग है, सफेद दाग हो जाते हैं। दूसरी दवा है ल्यूकोडर्मा के लिए, ये जो नीम की छाल होती है, नीम की छाल, इसको गोमूत्र में घिसो और उसका लेप बनेगा, और इसी तरह से रोग जैसे खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, ये सब में बहुत अच्छी एक दवा है यही, पुदीने के पत्ते को गाय के मूत्र में पीस कर लगाओ तो दाद, खाज, खुजली सब ठीक होता। और एक अच्छी दवा बताता हूँ, सड़ा हुआ केला, केला जब सड़ जाता है ना तो उसको लगाओ, त्वचा के सभी रोग ठीक करता है, खाज, खुजली, दाद पर सड़ा हुआ केला मालिश करो, 2-4 घंटे लगा रहने दो, फिर पानी से धो लेना। सड़ा हुआ केला बहुत अच्छी दवा है चर्म रोग की। देखो अपना देश कैसा अद्भुत है, अच्छा केला खाओ, सड़ा हुआ केला लगाओ, माने कोई चीज ऐसी नहीं है जो दवा नहीं है, अब तो कोई नहीं बचा रो, हो गया। हो माताओं के बाल बहुत झड़ते हैं, अगर बाल झड़ते हैं तो उसकी दवा क्या है, ये जो दही होता है ना दही, इसको तांबे के बर्तन में रखो, तांबे के बर्तन में दही जमा दो, सीधी सी बात, और 2-4 दिन उसको रखा रहने दो, हिलाना डुलाना नहीं, तो वो दही हरा हरा हो जाएगा और खट्टा बहुत हो जाएगा, बदबू आएगी उसमें, इसी दही को बालों में लगाना, बालों की जड़ में, और 1-2 घंटे लगा रहने दो, फिर उसके बाद बाल धो लेना, और बाल धोना उससे आंवला रीठा का ही, और ये शीका का ही आंवला रीठा उससे धोना, ये शैम्पू मत लगाना क्योंकि शैम्पू से बाल ज्यादा झड़ते। तो ये जो अगर दही है ना तांबे के बर्तन में 4-5 दिन रखे, ये भाइयों के लिए भी है, बहनों के लिए भी, तो है फुंसियां नहीं होंगी, एक बार में ही ठीक हो जाएगी इससे फुंसी। तो तांबे के बर्तन में दही रख के 4-5 दिन बाद उसको लगाओ बालों की जड़ में, 2 घंटे बाद धो लेना, और हफ्ते में 1 दिन करना बस इसको, संडे टू संडे,
तो 2 महीने मैक्सिम बारे में पर्ची लिखकर आई है सिकल सेल। ये जो सिकल सेल है ना, इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, कहीं भी चले जाओ, अमेरिका भी चले जाओ तो भी इलाज, लेकिन अपने आयुर्वेद में इसका इलाज है। एक तो इसमें प्राणायाम करना है सिकल सेल के सभी मरीजों को, और दवा जो देनी है अनार के रस में चूना मिला के पिलाना, 1 कप अनार का रस और चावल के दाने के बराबर चूना या गेहूं के दाने के बराबर चूना, रोज 1 कप अनार के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर पिलाना जिनको सिकल सेल की बीमारी है उनको। कितने दिन पिलाना? कम से कम 6-8 महीने, साल भर पिलाओ तो और अच्छा। ठीक है। और ये जो मैंने बताया ये और भी काम आएगा, माताएं इसको ध्यान से सुने कि अपने घर में कोई माँ जब गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो हर गर्भवती माँ को 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज पिलाना 9 महीने तक लगातार। इसके बहुत फायदे हैं। ये जो अनार का रस है ना, इसमें आयरन बहुत है, लोहा, और ये जो चूना है इसमें कैल्शियम बहुत है, और हर गर्भवती माँ को आयरन और कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हर गर्भवती माँ को अगर आप ये रोज पिला दो, अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर 9 महीने दे देना, तो उस माँ को बच्चे के जन्म के समय कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। एक तो बच्चे के जन्म के समय तकलीफ नहीं होगी, दूसरा जो बच्चे का जन्म होगा वो बच्चा बहुत स्वस्थ होगा, एकदम हष्ट पुष्ट मोटा तंदुरुस्त, कमजोर नहीं होगा, हेल्दी बहुत होगा। और तीसरा फायदा इसमें पता है क्या होता है कि वो बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई सब अच्छी रहेगी, और दिमाग बहुत तेज होगा उसका, ब्रेन बहुत शार्प, IQ बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे बच्चे जिनकी माँ ने 9 महीने चूना खाया गर्भावस्था के समय में अनार के रस में, वो सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट। तो ये सब माताओं को याद रखना, जब भी घर में कोई गर्भवती माँ हो ये तुरंत शुरू कर देना, सब माताओं को ये बताना, क्योंकि भारत में इसकी बहुत जरूरत है। 40 करोड़ माताओं को खून की कमी है, मैंने आपसे कहा था, हर माँ को ये जानना जरूरी है कि उसके खून की कमी कैसे दूर हो। तो सबसे आसान है चूना और अनार का रस। और कोई गरीब माँ है जो अनार का रस नहीं पी सकती क्योंकि अनार काफी महंगा है मैंने सुना, तो गरीब माँ को ये कहना कि गन्ने के रस में चूना पी ले, और अगर वो भी नहीं पी सकती तो गुड़ का पानी बना के उसमें चूना मिला के पी ले। ये जो गुड़ है ना, इसमें बहुत आयरन है और चूने में बहुत कैल्शियम, तो पानी में गुड़ घोले, चूना मिलाए, पी ले। तो गरीब से गरीब माँ को भी स्वस्थ बच्चे के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। और ये जो चूना है ना, ये वही चूना है जो पान में खाते हैं, वो चूना है ये। और ये चूना कई काम में आता है। हमारे घर में अगर ऐसे बच्चे हैं ना जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती, उनको चूना खिला दो, सबकी लंबाई बढ़ा देता है, बहनों की, भाइयों की, सबकी लंबाई 18-20 साल की उम्र तक सबकी लंबाई बढ़ा देता है चूना। कितना खाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर। दही में डाल के खा सकते हैं, दाल में डाल के खा सकते हैं, पानी में डाल के पी सकते हैं, नहीं तो चूना पान में लगा के खा सकते हैं। और ये चूना जॉन्डिस की भी बहुत अच्छी दवा है। जॉन्डिस, जॉन्डिस माने पीलिया, पीलिया के मरीज को गन्ने के रस में चूना मिला के पिला दो, बहुत जल्दी ठीक होता है। ये चूना नपुंसकता की बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उसको चूना खिला दो, दही में, गन्ने के रस में या दाल में,
एक साल भर देना, अच्छी हो जाएगी ये बीमारी, ठीक हो जाएगी। हैं जी, किसके लिए? मिर्गी। ओ है एपिलेप्सी। मिर्गी के लिए दो दवाएं हैं, एक तो नाक में गाय का घी डाल के सोना, रात को गाय का घी एक एक बूंद हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सोने की आदत डालो, जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, और सुबह उनको चूना खिलाओ दही में, गेहूं के दाने के बराबर चूना आधा कप दही में, लगातार साल भर देंगे तो मिर्गी के दौरे बंद हो जाएंगे। मेरे पास और एक प्रश्न आया है, ओवेरियन सिस्ट, माताओं को ओवरी में गांठ हो जाती है, इसके लिए क्या करें? एक तो प्राणायाम करना है, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटे, अनुलोम विलोम आधा घंटे, और दूसरी जो दवा है इसके लिए बहुत अच्छी दवा है, गाय के मूत्र में सर्पगंधा मिला के ले लो। सर्पगंधा एक आयुर्वेद की दवा है, किसी भी दुकान में मिल जाएगी, और ये सर्पगंधा के पत्ते होते हैं, सूखे हुए बेचते हैं दुकान वाले, दो पत्ते ले लो, पीस लो, और आधा कप गोमूत्र में मिला के गर्म करके वो पिला दो, तो ओवरी का सिस्ट इससे खत्म हो जाता है, और यूट्रस गर्भाशय का भी गांठ इससे गल जाती है। पोलियो की दवा नहीं है भाई, घर में नहीं है। प्राणायाम कर सकते हैं, पोलियो जो है ना ये ऐसी खतरनाक बीमारी है, जब हो उसी समय इलाज होता है, होने के बाद नहीं होता, इसकी दवा दुनिया में कहीं नहीं है। प्राणायाम करो, थोड़ी मदद मिलेगी, ठीक नहीं होता। प्रोस्टेट की तो बहुत अच्छी दवा है, प्रोस्टेट के लिए अगर आप अपने घर में ढूंढेंगे तो कई दवाएं हैं। वैसे मैं आपको एक सबसे अच्छी दवा बताता हूँ प्रोस्टेट के लिए, वो होम्योपैथी की दुकान से ले लो आप, उसका नाम है सैवाल सेरुलटा, SEBAL सैवाल, और सेरुलटा SERULATA सेरुलटा। सवाल सेरुलटा ये दवा होम्योपैथी की दुकान में मिलेगी, और वो पूछेगा आपसे कि किस पोटेंसी में दे। लकवा का मैंने बताया, रात में गाय का घी नाक में डाल के सोना, हल्का गर्म करके गाय का घी नाक में डाल के सोना। और किसकी पूछो आप? है जी, लकवा की है जी, पथरी का बता दी, पथरी की दवा लिखी है। एक तो पथरी होती है पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर स्टोन, और एक पथरी होती है मूत्र पिंड में, और एक हो जाती है कई बार गुर्दे में। तो ये जो पित्त की थैली की पथरी है इसकी दवा है, सूखा हुआ मिल जाएगा, पीस के इसको पाउडर बना के, और आधा गिलास पानी में आधा चम्मच पाउडर डाल के उबाल देना, फिर वो पानी पीना दिन में 2-3 बार, तो बहुत जल्दी पथरी टूट के निकल जाएगी। माताओं को मासिक के समय की जो बहुत पीड़ा है, दर्द है, मेरे पास एक स्लिप आई है, इसके लिए सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। मेंसेस पीरियड में जब बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, तो आधा कप खौलता हुआ पानी और 1 चम्मच गाय का घी ये मिला दो, और इस पानी को चाय की चुस्की ले लेके पी लो। आधा कप खौलता हुआ पानी और 1 चम्मच गाय का घी ये मिला दो और इसको पी लो, ऐसे पीना सिप सिप करके जैसे चाय पीते हैं, और दिन में 2 बार पी लें सुबह शाम, तो एकदम दर्द बंद कर देता है, मासिक धर्म के समय के सारे दर्द इससे बंद हो जाते हैं। सुबह शाम 2 ही बार लेना। और एक दवा बताता हूं, मासिक धर्म के दर्द में भी काम आती है, और मासिक धर्म को ठीक रखे, जैसे मासिक धर्म कभी समय से हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी ज्यादा खून हुआ, कभी कम हुआ, ऐसी सब परिस्थिति में एक बहुत अच्छी दवा है अशोक के पत्ते। अशोक का पेड़ तो सब जगह होता है, यहाँ नहीं दिख रहा है, अशोक का पेड़ तो आप सब पहचानते हैं,
उसके चार पांच पत्ते तोड़ना, पत्थर में पीस के चटनी बनाना, फिर उसको खूब पानी में गर्म कर देना, फिर उस पानी को ठंडा करके पीना, दिन में बस एक बार सुबह खाली पेट। कोई भी माँ या बहन एक महीने इसको ले ले तो सारा मासिक धर्म एकदम एकदम व्यवस्थित हो जाता है, सारी तकलीफें खत्म हो जाती। और माताओं को और एक बात बता दूं कि जब मासिक धर्म बंद होता है, उम्र हमारी 45-50 साल होती है, उस समय की सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में डाल के हर माँ खाए जिसकी उम्र 50 साल हो गई है। हो गई ना, अब तो सब बीमारी ठीक हो गई। अब आप ऐसा करना कि इसके बाद भी आपको जानने की इच्छा हो, क्योंकि ये अनंत ज्ञान का विषय है। ये तो ऐसे ही चलता रहे और मैं सुनाता रहूं, आप सुनते हो, क्योंकि अभी 2 घंटे तो हो गया और 2-4 घंटे चलेगा, क्योंकि दवाओं की तो कुछ कमी नहीं, आयुर्वेद में तो हजारों दवाएं। आपको अगर ज्यादा जानना है इसी विषय में तो एक पुस्तक पढ़ो, हमने एक पुस्तक बनाई, पतंजलि योग पीठ ने प्रकाशित की है, जड़ी बूटी रहस्य। ये पुस्तक कहाँ मिलेगी? हमारे पतंजलि चिकित्सा केंद्र में मिलेगी, वहां से ले लेना। हमारा पतंजलि चिकित्सा केंद्र सब जगह है, वहां आप चले जाना और उनसे लेना जड़ी बूटी रहस्य। इस पुस्तक में हजारों दवाओं के बारे में बताया, मैं तो थोड़ा सा ही बताया, मैं तो 20-25 दवा बताया, लेकिन आप अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो 1000 से ज्यादा दवाओं के बारे में उसमें बताया गया। आप उसे पढ़ो और उसको घर में जरूर रखो, जब भी कोई गंभीर बीमारी आए उस पुस्तक को पढ़ लो, तो फालतू कोई अंग्रेजी दवा खाने के लिए कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। और एक तरीका बताता हूं, रात को आस्था चैनल में एक कार्यक्रम आता है, उसका नाम है आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन। हर रात को 9 बजे आता है ये कार्यक्रम, जरूर देखो इसको। इस कार्यक्रम में हर दिन कोई ना कोई आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताते हैं। परम श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, हर दिन दवा के बारे में बताते हैं। तो आप इस कार्यक्रम को जरूर देखो, रात को 9 से 10, और सवेरे आता है ये 7:30 से 8:30 सुबह आता है, रिपीट होता है वही। तो रात को देख लिया तो अच्छा है, नहीं तो सुबह देख लो, देखो जरूर इसको, बहुत ज्ञान मिलेगा आपको, बहुत ज्ञान मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी हर गंभीर बीमारी ठीक कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाए कि जिंदगी में आप बहुत गंभीर किसी बीमारी में फंस जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें, तो आप मेरा फोन नंबर लिख लो, कभी मुझे एक फोन करोगे तो मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद करूंगा। लेकिन मुझे फोन तभी करना जब बहुत गंभीर बीमारी हो, इसलिए फोन मत करना कि सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, अब आप बताओ क्या करें। गंभीर बीमारी का माने जिसमें जीवन और मौत का सवाल है, तब फोन करना। मेरा नंबर है 09837342711 98373427311 09837342711। और जब फोन मेरा ना लगे तो SMS करके छोड़ देना, क्योंकि कई बार मेरा फोन बंद रहता है, जैसे इस समय मेरा फोन बंद है। मैं अभी 18 दिन उड़ीसा में घूम के आया, उड़ीसा में 50,000 एकड़ जमीन एक कंपनी पॉस्को को बेची गई, 78,000 एकड़ और एक दूसरी कंपनी स्टरलाइट को बेची गई, ये दोनों विदेशी कंपनी। और जो जमीन बेची गई है उसमें बेशकीमती लोहे का पत्थर है, लोहे का पत्थर माने आयरन ओर, भरपूर भंडार भरा पड़ा है आयरन ओर का, वो जमीनें बेची जा रही है कौड़ी के भाव में, बिल्कुल सस्ते भाव। अभी उड़ीसा के हाई कोर्ट में ये मुकदमे का फैसला आया,
और उड़ीसा के हाईकोर्ट ने कहा ये सब जमीन बेचना गैर कानूनी और अवैध है। किसी मुख्यमंत्री को ये अधिकार नहीं है कि अपनी जमीन वो ऐसे बेच सके, संविधान में ऐसी अनुमति नहीं है। लेकिन हर राज्य में यही चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। हजारों एकड़ लाखों एकड़ जमीनें बेची जा, इसमें हो क्या रहा है कि सस्ती जमीनें भी कंपनियों के मिल रही हैं और कंपनी नेताओं को पैसे दे रहे रिश्वत के, घूस के, और उनके विदेशी बैंकों के खातों में जमा हो रहे। ये 20 साल से चल रहा सबसे बड़ा घोटाला, और ऐसे घोटाले भारत में होते रहे हैं पिछले 64 साल आजादी के बाद। आजादी मिली थी ना तो तुरंत भारत में एक घोटाला हुआ था, आजादी मिलने के 2 साल में ही हो गया था, उसका नाम था जीप स्कैंडल। हुआ ये था कि भारत के रक्षा मंत्री थे उस समय वी के कृष्ण मेनन, उन्होंने जीप खरीदी आर्मी सेना के लिए और जीप नहीं आई, पैसे चले गए सारे, जीप आई नहीं, पैसे दे दिए और वो कंपनी भाग गई पैसे लेके, जीप एक भी नहीं दी उन्होंने। फिर रक्षा मंत्री को लोकसभा में पूछा गया भाई जीप कहाँ गई, तो उन्होंने कहा वो अभी तक आई नहीं, तो कंपनी को पकड़ो, तो उन्होंने कहा कंपनी कहाँ गई पता नहीं मुझे। बहुत बड़ा घोटाला था वो आजादी के बाद का, करोड़ों रुपए देश के डूब गए थे उसमें, और रक्षा मंत्री को फिर इस्तीफा देना पड़ा था वी के कृष्ण ने। उसके बाद और एक बड़ा घोटाला हुआ थोड़े ही दिन में, पिस्तौल खरीदी आर्मी के लिए और पिस्तौल नहीं आई, पैसे चले गए, चेक पिस्टल स्कैंडल हुआ था, हजारों करोड़ का था। एक और बड़ा घोटाला हुआ आजादी के बाद, नागर वाला स्कैंडल, एक था मुदड़ा स्कैंडल। ऐसे भारत में पिछले 64 सालों में जितने घोटाले हुए हैं, इसका हमने थोड़ा अध्ययन किया तो पता चला कि अब तक इन घोटालों में देश का 340 लाख करोड़ रुपए का चूना लग गया, 340 लाख करोड़। जीप स्कैंडल से शुरू होके और ये ए राजा घोटाले तक कुल मिलाकर 340 लाख करोड़ रुपए देश का डूब गया। आप बोलोगे फिर ये कहाँ गया, ये सब पैसा नेता और अधिकारियों की जेबों में चला गया और नेता और अधिकारियों ने इसको विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। दुनिया में एक छोटा सा देश है उसका नाम है स्विट्जरलैंड, ये सबसे अमीर देश है पूरी दुनिया में। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्विट्जरलैंड देश में ना खेती होती है, ना उद्योग चलते हैं, ना कोई व्यवसाय होता है, फिर भी यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। कारण उसका क्या है, हमारे जो भ्रष्ट नेता हैं, यहाँ जो घोटाले वो करते हैं उसका पैसा ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा कर देते हैं, और स्विट्जरलैंड की सरकार क्या करती है, वो पैसे को दुनिया भर में ब्याज पे उठा के उसमें से वो कमाई करते हैं, और हमारे जो भ्रष्ट नेता पैसा वहां जमा करते हैं उस पर वो ब्याज नहीं देते, और उस पैसे को वो ब्याज पर उठाते हैं और उससे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, और ये कमाई इतनी है स्विट्जरलैंड की कि वो दुनिया का सबसे अमीर देश है। और भारत जहां से ये घोटाले हो रहे हैं और जहां का पैसा स्विट्जरलैंड में जमा हो रहा है वो दुनिया का सबसे गरीब देश है। हम गरीबी से परेशान और स्विट्जरलैंड अमीरी से परेशान, हमारी गरीबी का स्विट्जरलैंड की अमीरी से डायरेक्ट रिश्ता है। हम गरीब इसलिए हैं कि स्विट्जरलैंड हमारे पैसे से अमीर है, अगर वो पैसा हमारे यहाँ घोटालों से बाहर नहीं जाता, स्विट्जरलैंड जमा नहीं होता, तो हम उसी पैसे से दुनिया के सबसे अमीर देश होते। तो ये भ्रष्टाचार और घोटाले ने देश में गरीबी पैदा की है और इसी के कारण बेरोजगारी पैदा हुई। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या कर सकते हैं, हमने एक संकल्प लिया है कि इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन करना है और भारत स्वाभिमान का हमने इसीलिए गठन किया है। आंदोलन क्या करना है, भारत सरकार पर दबाव डालकर इस घोटाले के सारे पैसे जो विदेशों में चले गए उन्हें वापस लाना है। आप बोलेंगे क्या ये संभव है, हाँ ये संभव है। इसके लिए रास्ता क्या है, इसके लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि
कि अगर ये 340 लाख करोड़ रुपए जो विदेशों में चले गए, भारत से लूट कर नेताओं ने विदेशों में जमा कर दिए, इस धन को अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा लिया जाए तो ये सारा पैसा वापस आ सकता है। जो पैसा यहां से चला गया वो व्यक्तिगत संपत्ति है नेताओं की। अगर इस पैसे को हम भारत के सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्र की संपत्ति घोषित करवा लें तो ये सब वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो राष्ट्र की संपत्ति का कानून है ना, वो ये है कि राष्ट्र की संपत्ति उसी राष्ट्र में जमा होती है जहां की वो संपत्ति होती है। जैसे भारत की संपत्ति भारत में ही जमा हो सकती है, पाकिस्तान की संपत्ति पाकिस्तान में। अभी क्या हुआ है कि भारत की संपत्ति को नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाकर जमा कर रखा है विदेशों में, तो इसको हम राष्ट्र की संपत्ति बनवा लें, ये हमारे लिए रास्ता है। तो इस रास्ते पर हम लोगों ने चलना शुरू किया है और भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया है। ये मुकदमा हमारा स्वीकार हो गया है और इस मुकदमे को एक बड़े मशहूर वकील श्री राम जेठमलानी ने किया है और इस मुकदमे में सरकार को अभी नोटिस मिला है और उसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दुनिया के जितने देशों में ये पैसे जमा है 340 लाख करोड़, इसका पूरा हिसाब करो और हमारे सामने लेके आओ। तो अब सरकार के इस समय हाथ पैर फूल गए हैं, परेशान है सरकार, क्योंकि जिनका ये पैसा है वो ही सरकार चला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इसका हिसाब दो हमको। आजादी के 64 वर्षों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया, पहली बार। अच्छा है, जो न्यायाधीश ये कर रहे हैं ना, उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हर रोज कि वो सलामत रहे, सुरक्षित रहे तब तक जब तक केस का फैसला ना आए, वरना बेईमान और हरामी नेता इतने खतरनाक हैं किसी को भी मरवा दे। हाँ, इनको क्या लगता है, जो लाखों करोड़ों लूटते हैं वो किसी को भी मरवा लेते हैं। ये मुकदमा चल रहा है, अच्छी बात है कि सुनवाई हो रही है और न्यायाधीश बहुत कड़क है। जो जज की बेंच में ये मुकदमा है ना, उसके बारे में सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि आप दुनिया को खरीद सकते हो, ये नहीं बिकेगा भाई। ऐसे बहुत ईमानदार जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, वरना तो ये सरकार तो लूट के खा जाती देश को अगर ऐसे जजेस नहीं होते तो उनके कारण उम्मीद है कि इसमें फैसला आ जाएगा। और एक साल का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, तो 2011 का जब अंतिम समय आएगा दिसंबर 2011 तब तक इसका फैसला आना चाहिए और फैसला यही कि सुप्रीम कोर्ट इस पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे। मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट ना कर पाए तो कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ईमानदार जजेस हैं ना, उनको ये बेईमान नेता ट्रांसफर करवा देते हैं। ये बेईमान नेताओं के हाथ में है ना जजों का ट्रांसफर करवा देते हैं, तो जज बेचारा क्या करे। तो ऐसा हो सकता है इस मामले में, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंसने वाले हैं इस मामले में। तो ट्रांसफर हो गया तब हम क्या करेंगे, तब हमने दूसरा रास्ता तय करने का संकल्प लिया। दूसरा रास्ता ये होगा कि तब हम भारत की संसद में एक प्रस्ताव पेश कराएंगे किसी भी एक सांसद की मदद से, और वो प्रस्ताव ये होगा कि भारत में जो घोटाले हुए हैं पिछले 64 साल में और इसका जो धन है 340 लाख करोड़ जो विदेशों में जमा है, ये धन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, संसद इस प्रस्ताव पर बहस करे। तो ये प्रस्ताव तो एक सांसद रख देगा संसद में, क्योंकि बिल पेश करने के लिए एक एमपी काफी होता है, फिर बहस करते हैं बाकी सब एमपीज। तो जब इस पर बहस होगी तब हम देखेंगे कि कौन कौन एमपीज इसका विरोध कर रहे हैं। जो विरोध करेंगे पक्की बात है हरामी वही है, बेईमान वही है, पैसे उन्हीं। तो सारा देश देखेगा, क्योंकि जब बहस होती है ना वो तो अब टीवी पे आती है, आप भी देखोगे मैं भी देखूंगा, और आप ये देखना कि आपके क्षेत्र का सांसद क्या कह रहा है।
वो इसका समर्थन कर रहा है या विरोध कर रहा है, उसी दिन पता चलेगा वो बेईमान है कि ईमानदार। अब संसद में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डर के मारे कई नेता विरोध ना करें, तो अच्छा है अगर वो विरोध डर के मारे नहीं करेंगे, क्योंकि पोल खुलेगी उनकी अगर वो विरोध करें तो वो ना करें विरोध तो प्रस्ताव तो पास हो जाएगा, तो कानून बन जाएगा, तो पैसे आ जाएंगे। अगर वो विरोध करेंगे तो उनकी पोल खुलेगी, और अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। अपने दोनों हाथ में लड्डू है, अगर उनकी पोल खुलेगी तो देश देखेगा बेईमान कौन है, प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बन जाएगा। लेकिन एक तीसरी बात भी हो सकती है कि संसद में 272 से ज्यादा सांसद इकट्ठे हो गए तो वो इसको गिरा सकते हैं पूरे प्रस्ताव, ये हो सकता है। तब फिर क्या करेंगे हम? तब हमारा तीसरा संकल्प है कि अगर संसद ने ये प्रस्ताव गिरा दिया तो 2014 में लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो सारे देश में से हम अपने 400 से ज्यादा सांसदों को जिताकर लाएंगे और फिर ये प्रस्ताव पास कराएंगे, फिर कानून। और इस काम का संकल्प परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने कर लिया है, वो संकल्प ले चुके हैं कि अगर 2014 तक संसद ने ये काले धन को वापस लाने का कानून नहीं बनाया तो हम फिर देश के 2014 के चुनाव में 400 से ज्यादा सांसदों को जिता के लाएंगे, और इसकी ताकत हम बना रहे हैं पूरे देश में। और अच्छी बात यह है कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के साथ इस आंदोलन में 70 और भी बड़े बड़े संत और सन्यासी शामिल हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है। एक बहुत बड़े संत हैं हमारे देश में परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य कांचीपुरम, एक बहुत बड़े संत हैं इस देश में परम पूजनीय मुरारी बापू, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय सुधांशु महाराज, एक बहुत बड़े संत हैं श्री रमेश भाई ओझा, एक बहुत बड़े संत तुल्य व्यक्ति हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या गायत्री परिवार के। ऐसे भारत में 70 बड़े बड़े संतों ने अभी हरिद्वार के कुंभ मेले में संकल्प लिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सब 2014 के चुनाव में एक एक चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और 400 ईमानदार सांसदों को जिता के लाएंगे। मैंने क्या किया, ये सब संतों के जो भक्त हैं पूरे देश में उनकी संख्या जोड़ी, तो इनके कुल भक्त इतने हैं कि वो इकट्ठे होकर वोट डाल दें तो 514 सांसद जीत जाएंगे पूरे देश, कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इन संतों की बड़ी ताकत है। ये जब तक चुप बैठे हैं तब तक चुप बैठे हैं, ये अगर निकल पड़े तो राजनीति के किसी नेता में दम नहीं है जो इनका सामना कर सके। बड़े बड़े राजनेताओं के यहाँ हमने देखा है 200-200 रुपए दे के लोगों को बुलाया जाता है भाषण सुनने के लिए और 10-20 मिनट में वो झाड़ के चल देते हैं, लेकिन इन संतों के पास लाखों लोग आते हैं सुनने के लिए अपना पैसा खर्च करके। और ये सब संत ऐसे हैं कि सवेरे 4 बजे किसी को बुला लें तो मैदान भरा मिलेगा। हमारे तो परम पूजनीय स्वामी जी का मैंने देखा है सुबह 4:45 बजे पूरा मैदान खचाखच भर जाता है, लोग 3-3 बजे चल चल के पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सन्यासियों की ताकत बहुत है भारत में, संतों की ताकत बहुत है, ये कर सकते हैं। और इनका अब ये कहना है कि भ्रष्टाचार अब इतना ज्यादा हो गया है कि पानी सिर के ऊपर से गुजर गया और नेता देश को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब संतों ने कहा है कि अब हम ही करें ठीक इस देश को, इसलिए ये बात अब चल पड़ी है। और हमें उम्मीद है कि 2014 में ये सारे संत निकल पड़े देश में तो आराम से आ जाएंगे 514 सांसद, और वो बनाएंगे फिर कानून, और 1 मिनट में कानून बनेगा और पैसे आ जाएंगे 340 लाख करोड़। फिर आने के बाद ये पैसे को खर्च करना है भारत के गांव गांव में। इसकी हमारी योजना है कि हर गांव में 100 उद्योग लगाएं, एक एक गांव में 100-100 उद्योग। जैसे भारत के जितने गांव में कपास पैदा होती है, 4 लाख गांव हैं भारत में जहां कपास होती है, वहां हम चरखा चलाएं, सूत बनाएं,
और उससे खादी का कपड़ा बने। मैं जैसे खादी पहनता हूँ ऐसे करोड़ों लोग खादी पहनते, तो वो गांव गांव में बने और 4 लाख गांव में खादी बनाने का काम हम शुरू करें तो 15 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और महात्मा गांधी की आत्मा को शांति मिलेगी। गांधी जी कहा करते थे कि खादी बनाओ खादी पहनो, हम ये गांधी जी का सपना पूरा करना चाहते हैं। चलती है उससे बिजली बनती है, घर का खाना पका सकते हैं। तो जहाँ जहाँ गाय बैल भैंस हैं, जानवर हैं, 48 करोड़ जानवर हैं हमारे पास, एक दिन में उनका जितना गोबर इकट्ठा होता है ना, उतने गोबर से हम 50,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं हर घंटे। रुपए खर्च होगा और 67 करोड़ भारतवासियों को रोजगार मिल जाए, तो ये हमारी बहुत बड़ी योजना है। इसी का नाम परम पूजनीय स्वामी जी ने दिया है ग्रामोत्थान योजना। फिर बाद में क्या करेंगे, गांव गांव उद्योग लगे तो रोजगार मिल गया, गरीबी खत्म हो गई। फिर सड़क बनवाएंगे हर गांव में, स्कूल खुलवाए, तालाब बनाएंगे ताकि बारिश का पानी, बहुत सुंदर बनाएंगे, गरीबी खत्म, बेरोजगारी खत्म, हर एक गांव में सड़क, हर एक गांव में बिजली, हर एक गांव में पानी, हर एक को हॉस्पिटल, हर एक को दवाई, हर एक को शिक्षा, सब कुछ हो जाए। फिर भी अपने पास 300 लाख करोड़ बच जाएगा, उस बचे हुए का क्या करें, तो उसको बैंक में जमा कर दें भारत के नाम से, तो साल का ब्याज उसका 30 लाख करोड़ आता है, नहीं सारे टैक्स माफ कर सकते। और हमने हिसाब निकाला कि सारे टैक्स अगर माफ कर देंगे तो पेट्रोल मिलेगा, मदद से हम ये काम करना चाहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र में कोई भी काम कराना हो तो 70 वोट चाहिए, और 70 वोट के लिए हम ये सोच रहे हैं कि अपने पड़ोस में कोई देश है संयुक्त राष्ट्र के जो मेंबर है, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, बर्मा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, ऐसे 71 देशों को हम मदद करें, क्योंकि अपने पास पैसे बहुत हैं। 30 लाख करोड़ सालाना अपनी आमदनी है और देश का खर्चा 11 लाख करोड़ सालाना का है, तो हर साल 19 लाख करोड़ बचेंगे। ये बचे हुए पैसे पड़ोसी देशों को हम दे दें कर्ज में, सस्ता कर्ज दे दें, कम ब्याज का कर्ज, क्योंकि अपने पास तो वो बेकार पड़े हैं और पैसे घूमते रहें वही अच्छा होता है, एक जगह रखना बेकार, तो उसको सस्ते ब्याज के कर्ज में दे दें नेपाल को, बांग्लादेश को, ये सब देश खुश हो जाएंगे और इनकी गरीबी भी उस पैसे से दूर होगी। पाकिस्तान को कुछ नहीं देंगे, उससे तो अपना हिसाब चुकाना है, बाकी सबको देंगे, तो ये देश अपने मित्र हो जाएंगे। फिर ये वोट कर सकते हैं अपने समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में, तो जिस दिन 70 देशों ने भारत के समर्थन में वोट कर दिया उसी दिन चीन से हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन वापस आ जाए, हमारा कैलाश मानसरोवर वापस आ, और एक तिहाई कश्मीर भी वापस आ जाएगा पंजाब से। और बाद में इन्हीं 70 देशों की मदद से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास करा दें कि जो देश आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके सारे ट्रेनिंग सेंटर ध्वस्त किए जाएं बम गिराकर, तो पाकिस्तान में ये 70 देशों की आर्मी जाएगी और सारे आतंकवादियों की कमर तोड़ दे, तब पाकिस्तान ठीक होगा। ये पाकिस्तान जो है ना लातों का भूत है, बातों से थोड़ी मानता है। हमारे कितने प्रधानमंत्रियों ने दोस्ती की है पाकिस्तान से, उसने हमेशा उसका उल्टा ही मतलब निकाला, तो इससे अब दोस्ती की भाषा बंद करना है, इसको तो भाषा समझानी है डंडे की, तब ये मानेगा, सब सीधा होगा। और 70 देश इसके खिलाफ हैं दुनिया में, वो बस इंतजार कर रहे हैं कि भारत अगुवाई करे, वो सब देश मिलके पाकिस्तान में अपनी सेना भेज देंगे और आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे, ये करना है। और अंत में फिर एक काम और करना है कि ये सारी समस्याएं हल करते हुए भारत का बहुत सारा धन इंग्लैंड में पड़ा हुआ है वो वापस लाना, लंदन में हमारा कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास है, हमारा सोने का सिंहासन अंग्रेजों के पास है, अंग्रेजों ने बहुत कुछ यहाँ से लूट लिया है, वो वापस लेना है। एक अंग्रेज आया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव,
वो 1757 से 1763 के बीच में पानी के 900 जहाज भरकर सोना लूट ले गया यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव। उतना ही सोना हम वापस ले आए तो वो 450 लाख करोड़ का है। तो इसके लिए हम एक मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मुकदमा हम करना चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ। दुनिया में पता है अंग्रेज क्या कहते घूमते हैं कि ये भारत से जो सोना आया ये भारत ने हमें गिफ्ट में दिया। हम सिद्ध करेंगे कि वो लूट लिया इन्होंने, और अगर हम ये सिद्ध कर पाए कि वो उन्होंने लूटा है तो वो वापस देना पड़ेगा। और 450 लाख करोड़ का सोना अगर वापस आ गया इंग्लैंड से, तब तो भारत एक ही दिन में सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो जाए। पता है क्या होगा, जैसे ये सोना आएगा उसी दिन एक रात में भारत के रुपए की ताकत डॉलर से 50 गुनी ज्यादा हो जाए। अभी एक डॉलर 45 का है, फिर एक रुपए में 5 डॉलर हो जाए। और रुपया ताकतवर हुआ तो जो हम निर्यात कर रहे हैं इस समय 8 लाख करोड़ का, वो निर्यात हो जाएगा 400 लाख करोड़ का। और दूसरी बड़ी बात होगी कि भारतवासी जो अमेरिका भाग गए थे ये सब वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये भागे थे इस लालच में कि एक डॉलर में 50 रुपए, फिर एक रुपए में 5 डॉलर हुआ, तो ये वापस आएंगे। और ये आएंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी अकल वापस आएगी, और उस बुद्धि और अकल का उपयोग देश के लिए होगा, तो नई मशीनें बनेंगी, नई टेक्नोलॉजी बनेगी, और भारत फिर दुनिया में बहुत आगे जाएगा। अमेरिका में एक संस्था है नासा, जहाँ 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। अगर ये सब वापस आ जाए तो नासा जैसी तो कई संस्थाएं हम बना सकते हैं। तो भारत को ऐसा बनाना है जो सोने का शेर हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वशक्तिमान हो, शक्तिशाली हो, वैभवशाली हो, समृद्धशाली हो। इसी के लिए ये अभियान हमने शुरू किया है। आप इसमें हमारी थोड़ी मदद करें, यही कहने में आया। आप मदद क्या कर सकते हैं इस अभियान में, हमें 15 से 20 करोड़ मेंबर्स चाहिए पूरे देश में, 15 से 20 करोड़ सदस्य। तो आप इसमें जुड़ जाइए, एक एक व्यक्ति हमारा सदस्य बने जो देशभक्त है, ईमानदार है, चरित्रवान है, ऐसे लोगों का हम संगठन खड़ा कर रहे हैं। और ऐसे 15 से 20 करोड़ लोग हमें पूरे देश में से ढूंढने हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं, और इस आंदोलन में जुड़ने के लिए 11 रुपए का दान देकर आप इसके सदस्य बन सकते हैं। हम हरेक से 11 रुपए दान ले रहे हैं, और ये वही तरीका है जो महात्मा गांधी ने अपनाया था। महात्मा गांधी हर एक भारतवासी से 25 पैसा लेते थे जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, चार आना मेंबर बनाते थे। तो गांधी जी का जो 25 पैसा था वो आज 11 रुपए के बराबर। तो हम 11-11 रुपए लेकर सबको सदस्य बना रहे हैं। आप भी इसमें आ जाएं, सदस्य बने, और ऐसे बहुत सारे दूसरे लोगों को प्रेरणा दें, वो भी सदस्य बने, यही भावना लेकर मैं आया। और आप सब इसमें जुड़ेंगे, 15 से 20 करोड़ सदस्य हो जाएंगे, तो 4 साल में हमें ये सारा काम करना है। और एक सन्यासी ने इस काम का संकल्प लिया है, और सन्यासी जब भी कोई संकल्प लेते हैं वो सब पूरे होते हैं। आज़ादी के पहले एक बड़े सन्यासी थे महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने स्वतंत्रता का संकल्प लिया था, और लाखों क्रांतिकारी पैदा हुए, उन्होंने वो संकल्प पूरा किया था। अब फिर आज़ादी के बाद एक संत आए हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने संकल्प लिया है देश को सोने का शेर बनाना है, जगत गुरु बनाना है, और ये संकल्प पूरा करने के लिए शायद हम और आप आए हैं। तो आप और मैं सब मिलें, इस संकल्प को पूरा करें। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद आप और मैं वही हैं जो 1857 में क्रांतिकारियों के या तो सहयोगी रहे हुए होंगे या क्रांतिकारी रहे होंगे, पुनर्जन्म लेकर फिर आए हैं हम इस काम को पूरा करने। और ईश्वर ने एक सन्यासी को फिर भेजा, पहले भेजा था महर्षि दयानंद सरस्वती को, अब भेज दिया परम पूजनीय स्वामी रामदेव को। दोनों एक ही परंपरा के सन्यासी, और ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। और इस योजना में हम सब अगर लग जाएंगे तो श्रेय हमें मिलेगा और कार्य देश के लिए। तो आप सब इसमें जुड़ें, सदस्य बने, यही भावना मेरी आपसे मैं व्यक्त करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाएंगे
तो हम सब आपको धन्यवाद करेंगे। देश के लिए आपका जीवन, देश के लिए आपका समय लगे, हमारा धन, हमारा तन, हमारा मन सब देश के लिए समर्पित हो। हम सब इस देश को एक बेहतर बनाए, अच्छा बनाए, सुखद बनाए, समृद्धशाली बनाए, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी दूर हो और भारत दुनिया में आदर्श देश बने, यही भावना हमें लेकर इस कार्य को पूरा करना है। और भारत स्वाभिमान इसी उद्देश्य के लिए है। तो आप सब आए, भारत स्वाभिमान में जुड़े। इस कार्य को पूरा करने के लिए परम पूजनीय स्वामी जी खुद आ रहे हैं। आपका ये जो शक्ति नगर है, यहाँ पर परम पूजनीय स्वामी जी का कार्यक्रम होने वाला है जनवरी के महीने में, और वो आएंगे 29 तारीख को, तो 28 को, 28 जनवरी को परम पूजनीय स्वामी जी यहाँ आ रहे हैं। आप सब हजारों की संख्या में एकत्रित हों और उनके सामने आप घोषणा करें कि हम सब भारत स्वाभिमान में जुड़ रहे हैं, तो आपको भी आनंद होगा और सन्यासी परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी भी खुश होंगे। तो हम सब इसी काम में अपने जीवन का कुछ हिस्सा समय के रूप में, धन के रूप में, संसाधन के रूप में अर्पित करें। ये एक राष्ट्र यज्ञ है, महायज्ञ है, सबकी आहुति इस काम में मिले, यही भावना के साथ मैं बोलूंगा भारत माता की, हम सब बोलेंगे जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।